नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजनी और आज मैं आप लोगों के साथ गुरुवार स्पेशल बेसन का हलवा बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। बेसन का हलवा बनाने के लिए कढ़ाई में हम घी डालेंगे। अब हम इसमें बेसन ऐड करेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे हम अच्छे से भून लेंगे। इसको भूनने में लगभग 5 से 7 मिनट का टाइम जाएगा क्योंकि हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे भूनेंगे, और अगर कढ़ाई ज़्यादा ठंडी होने लगे तो फिर गैस के फ्लेम को हम मीडियम करके और फिर इसे भूनेंगे। इससे क्या होता है कि बेसन का जो कच्चापन है वो काफ़ी अच्छे से निकल जाएगा और हमारा जो बेसन का हलवा है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। बेसन को मैंने 3 से 4 मिनट भून लिया है। अब हम इसमें इलायची का पाउडर डालेंगे और इलायची का पाउडर डालने के बाद इसको 2 से 3 मिनट हम और भूनेंगे। उससे क्या होता है, एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा और बेसन भी बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाएगा। तो जब बेसन स्टार्टिंग में हम डालते हैं तो घी की वजह से इसमें जो है थोड़ी सी गुठलियाँ पड़ जाती हैं, उसे आपको बिल्कुल इस तरीके से तोड़ लेना है और बेसन को बिल्कुल बारीक कर लेना है और इसी तरीके से चलाते हुए आपको इसे भूनना है 2 से 3 मिनट और। बेसन को मैंने अच्छे से भून लिया है, आप देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी डाल देंगे और चीनी डालने के बाद हल्का हल्का सा हम इसमें पानी डालेंगे। एक बार हम पानी नहीं डालेंगे क्योंकि बेसन के हलवे में बहुत ही कम मात्रा में पानी डाला जाता है और उसी से बेसन का हलवा पूरी तरह से तैयार हो जाता है। तो पानी डालेंगे, मिक्स करेंगे और ये देखिए थोड़ा सा और पानी डालने की ज़रूरत है, तो मैंने हल्का सा पानी और डाल दिया और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं मैंने अभी इसमें चीनी डाला, इसलिए चीनी जो है अच्छे से हलवे में घुला नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इसको तब तक बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे इसको हम भूनेंगे जब तक कि चीनी अच्छे से बेसन के अंदर मिक्स नहीं हो जाती है। तो गैस के फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखिए, नहीं तो हाई फ्लेम रखने के बाद यहाँ पे जो आपका बेसन का हलवा है वो जल सकता है। और भूनते हुए आप देख सकते हैं अब जो हमारी चीनी है अच्छे से हलवे के साथ घुल चुकी है और हमारा बेसन का हलवा बिल्कुल तैयार है। तो इसको उतारने से पहले आपको क्या करना है कि 1 से 2 चम्मच घी फिर से ऐड करना है और घी ऐड करने के बाद 1 मिनट इसको और आपको भूनना है। इससे जो बेसन के हलवे का टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। 1 मिनट भूनने के बाद आप देख सकते हैं बेसन का हलवा का जो कलर है बहुत ही बढ़िया लग रहा है, काफ़ी अच्छी बनकर के यह तैयार हुई है। तो अब हम इसको सर्विंग बाउल में डालेंगे और बृहस्पतिवार के व्रत में आप इसको आसानी से आराम से खा सकते हैं, बहुत ही जल्दी बनकर के तैयार भी हो जाती है। तो इसके ऊपर मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं और इसी के साथ बहुत ही ज़्यादा इजी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बेसन का हलवा हमारा पूरी तरह से तैयार हो चुका है।